हम महिलाओं को इस राज्य में महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे, विशेष करके महिलाओं का बात आज देख रहे हैं, ना सुरक्षा मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं के साथ इस तरह से बोलने में भी शर्म आता है। रेप की घटना घट रही है और उसे हत्या कर दिया जाता है। आज हमारी बेटी, हमारी बहन घर से बाहर निकलती है, जब तक वापस सुरक्षित घर नहीं आती है, सही में हम लोग को चिंता लगता है। इस राज्य की महिलाओं को हम लोग को चिंता होती है। नियोजन नीति का जो बात की कहे थे कि नियोजन नीति, हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ चल गया आपका सब वादा ये सब। नमस्कार, देशी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी डानी। झारखंड मानसून सत्र का दूसरा दिन जहां सत्ता पक्ष मणिपुर घटना को लेकर हेमंत सरकार को घेरती हुई नजर आई, तो वहीं विपक्ष नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार से सवाल जवाब पूछता रहा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक अर्पणा सेन गुप्ता है, उनसे जानते हैं मणिपुर घटना को लेकर वह क्या कुछ सोचती। जिस तरह से जब 2019 में चुनाव हो रही थी, तो जो गठबंधन की सरकार है, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो या फिर जेएमएम की सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा पत्र में तो ये जरूर बोले थे कि हम महिलाओं को इस राज्य में महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे, विशेष करके महिलाओं का बात आज देख रहे हैं, ना सुरक्षा मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है। सम्मान का जहाँ तक बात है, 1 रुपया में जो महिलाएँ, जो जमीन का रजिस्ट्री होता था 50 लाख का, वो तो जेएमएम की सरकार बनने के तुरंत बाद वो बंद करा दिए। मतलब महिलाओं का वहाँ सम्मान देने का कोई बात नहीं रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा का जहाँ तक बात है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस राज्य में चाहे 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं के साथ किस तरह से बोलने में भी शर्म आता है। रेप की घटना घट रही है और उसे हत्या कर दिया जाता है। झारखंड में रेप की जो घटनाएं हो रही है उससे आप चिंतित हैं, मणिपुर में जो घटना घटी है जिससे पूरा राज्य शर्मसार है, इंडिया जो है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आप एक महिला हैं, आप कैसे देखती हैं मणिपुर की घटना? मणिपुर की घटना में सही में ये बहुत बड़ा दुखद घटना है, ये महिलाओं के साथ इस तरह से हुआ, बहुत दुखद घटना है, इसका हम भी मतलब दुख जाहिर कर रहे हैं। लेकिन झारखंड जहाँ हम हैं, जिस राज्य में हम लोग हैं, उस राज्य का भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से इस राज्य में चाहे आदिवासी महिला हो, चाहे मने किस तरह से घटना घट रहा है, आज अंकिता को किस तरह से जलाया दे रहा है दुमका में, किस तरह से हत्या हो रही है, तो ये राज्य का भी तो विषय ध्यान देना पड़ेगा। जिस राज्य में हम लोग हैं, झारखंड में हम लोग हैं, आज हमारी बेटी, हमारी बहन घर से बाहर निकलती है, जब तक वापस सुरक्षित घर नहीं आती है, सही में हम लोग को चिंता लगता है। इस राज्य की महिलाओं को हम लोग को चिंता होती है। पहले मानसून सत्र के पहले दिन आप लोगों ने सुभाष मुंडे हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदर्शन किया था। आज दूसरे दिन आप लोग नियोजन नीति को लेकर और थर्ड फोर्थ ग्रेड में जो झारखंड के युवा हैं उनको आरक्षण को लेकर आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर हम बात करेंगे गिरिडीह की, मणिपुर जैसी घटना गिरिडीह में घटी है जहाँ एक दलित महिला को रात भर निवस्त्र पेड़ से बांध दिया जाता है, इसको लेकर के क्या बीजेपी के जो महिला विधायक है वो प्रोटेस्ट करेंगी, सरकार से आवाज़ उठाएंगी मुद्दे को लेकर? देखिए, जहाँ तक शुरू से बोल रहे हैं सुभाष सिंह मुंडा जी का हत्या जो हुआ, हम लोग यही तो बोल रहे हैं कि आदिवासी सरकार आदिवासी का बोल रहे हैं कि हम आदिवासी सरकार हैं और आदिवासी को सुरक्षा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, या फिर जो भी है। तो आज किस तरह से घटना घट रही है, चाहे आज महिलाएं का, हम तो बोल रहे हैं ये सरकार जन विरोधी सरकार है। चाहे हत्या का बोलिए, हत्या किस तरह इस राज्य में हो रही है, किस तरह से आज छात्र सड़क पर हैं, आप नियोजन नीति का जो बात की कहे थे कि नियोजन नीति, हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ चल गया आपका सब वादा ये सब। तो समझ में नहीं रहा कि ये सरकार सिर्फ लूट तंत्र में मचा हुआ है, चाहे बालू का चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी पर सब एकदम आँख में पट्टी बांध लिए हैं, और इतना जो समस्या आ रहा है, इस तरह का जो जनता का समस्या, ये विकास विरोधी सरकार है। लगातार हम लोग चाहे जो विकास के विषय में अपना क्षेत्र का भी बात आप लोग देख रहे हैं, चाहे बरबंदिया पुल हो, चाहे हमारे वहाँ का
पांडरा मोड़ में हॉस्पिटल हो, जयपुर में हॉस्पिटल हो, मदनपुर में हो, चिरकुंडा में हो, उसके बाद सालुक चपड़ा में हो या फिर आम्बोना में हो, अपना क्षेत्र लगातार वहाँ देख सकते हैं। वहाँ जो बिल्डिंग बना हुआ है किस तरह से ध्वस्त हो रहा है, ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ दवा का व्यवस्था है। ये किसी तरह का ये सरकार जन विरोधी सरकार है, न स्वास्थ्य पर, न शिक्षा पर, न पानी, न बिजली, किसी पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ बालू और कोयला का लूट हो रहा है, जमीन का लूट हो रहा है, इसलिए ये लुटेरी सरकार है। हमारे साथ इस वक्त बात कर रही थी बीजेपी विधायक अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि सरकार में बालू की लूट है, कोयले की लूट है, पीतल की लूट है, लेकिन जन विरोधी सरकार है। यहाँ पर जनता से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दिस टीवी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।